आदाब, सदाए पंजाल के शाम बुलेटिन में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मीर। आइए डालते हैं दिन भर की खास खास सुर्खियों पर एक नज़र। मरकजी सरकार जो भी काले कानून हम पर थोप रही है, जल्द अज जल्द वापस ले, समाजी कारकुन शकील परे। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर बार बार वार, कहा मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ सरकार बनाकर आग से खेला। लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार फारूक खान ने पुंछ का किया दौरा, लोगों को आ रही मुश्किलातों का लिया जायजा। अवंतीपुरा के निवासी वसीम नामी नशा तस्कर पर लगा पीएसए, वसीम पर पहले भी हैं कई मुकदमे दर्ज। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा यकतरफा गाड़ियों की आवाजाही के लिए खुला, श्रीनगर से जम्मू आ रही गाड़ियों को मिली इजाज़त। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने आज होने वाले एमबीबीएस इम्तहानात की तारीख में की तोसी, नई तारीख की बाद में दी जाएगी जानकारी। अभी तक मुल्क भर में 41,38,418 लोगों को लगाई जा चुकी है कोविड वैक्सीन। मुल्क भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 14,225 नए मामले आए मस्बत, 110 लोगों की हुई मौत। कश्मीर में आज सुबह मौसम ने बदला मिजाज, मौसम की खराबी के कारण हवाई उड़ानों के औकात में तब्दीली। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू ने साबका एक्साइज कमिश्नर जावेद खान के कुछ ठिकानों पर मारा छापा, कई ठिकानों से करोड़ों रुपए ऊंच नीच होने का खुलासा। नजालता के गांव में लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम, सरपंच ने पेश आ रही मुश्किलातों में अजाला करने की मांग। पंचहरी के रहने वाले एक परिवार का 13 साल बच्चा नानक नगर जम्मू से हुआ लापता, परिवार ने इंतजामिया से मदद की लगाई गुहार। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लखनपुर बॉर्डर से ट्रक किया जब्त, दो मवेशी तस्करों को किया गिरफ्तार। जम्मू में खुदकशी का एक और मामला आया सामने, बख्शी नगर की रहने वाली 16 साल लड़की ने की खुदकशी। आज का बुलेटिन हुआ इख्तिताम, मजीद ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाए पंजाल और दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।